तो हेलो गाइस, आज है 29 जून और हम आ गए हैं अभी राजिम और हम जा रहे हैं यहाँ से गरियाबंद। और गरियाबंद के पास में एक वाटरफॉल है, दो एक्चुअली तीन वाटरफॉल है, तो जितना भी हो वहाँ पे कवर कर सकते हैं हम लोग और करने की कोशिश करेंगे। रास्ता जो भी है जैसा भी है आप सभी को दिखेगा अभी और पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मेरी ये जीप है पुरानी मॉडिफाइड ओल्ड महिंद्रा थार और अभी बस रुके हुए हैं, सो मैंने सोचा कि इंट्रो बना लूं। बाकी आप सिनेमैटिक्स तो देखेंगे ही कि क्या है कैसा है बाकी सारी चीज़ें, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पांडुका आना पड़ेगा राजिम से, और राजिम से पांडुका आने के बाद यहाँ पे एक मोड़ मिलेगा जहाँ पर पोड़ ऐसा कुछ गांव का नाम लिखा होगा। सो गाइस, वहाँ से आपको ये जो पतली सड़क पर अभी हम जा रहे हैं इसी सड़क पर आपको पकड़ के सीधा सीधा चलना है, और सीधा चलने के बाद 2 किलोमीटर के बाद एक गाँव है तुहिया मुड़ा, वहाँ तक आपको पहुँचना है गाइस। गांव पहुँचते ही आपको फॉरेस्ट एरिया दिखाई देने लगेगा, ऑफ रोडिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, हम आ चुके हैं सिंदूरखोल वाटरफॉल जो कि गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में है, और देख सकते हैं गाइस हम इस रास्ते से आए हैं। रास्ता जो है बहुत ख़राब है, हमारे पास तो ये है महिंद्रा थार 4x4, तो हम इस पे आए हैं, ये मेरी गाड़ी है और इसने तो झेल लिया, बट कोई आम कार या छोटी गाड़ी तो बिल्कुल यहाँ तक नहीं आ सकती है। सो गाइस, अभी हमने लास्ट डेस्टिनेशन में कार पार्क किया हुआ है अपना, और इसके आगे ये रास्ता है, तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा आगे। सो चलिए एडवेंचर ट्रिप हमारी स्टार्ट करते हैं। डेंस फॉरेस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो और कोई लोग भी नहीं है यहाँ पे, तो उस हिसाब से डर भी काफ़ी है जानवरों का। सो गाइस, गाड़ी हमने वहाँ पार्क किया हुआ है और पैदल अभी चल के जा रहे हैं आगे। मेरे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ओ छुप गए वो लोग पेड़ में।
मैं पीछे रह गया हूँ, तो मैं फिलहाल अकेले ही घूम चल रहा हूँ यहाँ पे। और अभी तक वाटरफॉल का कोई साइंस अभी हमें नहीं मिला है यहाँ पे देखने को, ना ही कोई आवाज़ आ रही है दूर से। बाकी डेंस फॉरेस्ट के नाम से तो देख ही सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी डर है यहाँ पे, लग रही है डर। सो गाइस, रास्ता जो पैदल चल के जाने वाला है वो देख पा रहे होंगे अभी। बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है। अभी तक नो साइंस टिल येट, अभी तक कोई साइंस नहीं देखने को मिले हैं। सो गाइस, आप बाइक में तो आ सकते हैं, बट रिकमेंड है मानसून में ना आए। बाकी फैमिली भी ला सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वैसे तो कोई रहता नहीं है, बट अगर फैमिली में फिट है तो ही आए, अदरवाइज अगर जिनको प्रॉब्लम है चलने में वो तो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे मेरे हिसाब से। देख सकते हैं रास्ता, अभी डेंस फॉरेस्ट देखिए गाइस कितनी ज्यादा है यहाँ पे। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे काफ़ी दूर चलने के बाद, लगभग 300 मीटर चलने के बाद, ये फाइनली हमको एक साइन मिला जिसके लिए हमारे कान तरस गए थे। तो अब साउंड जो है वाटरफॉल की आवाज़ आने लगी है। सो गाइस, ये जो लोकेशन है इसकी वीडियो मैंने काफ़ी सर्च की यूट्यूब पे, बट मुझे बहुत कम ही देखने को मिली, सिर्फ एक ही यूट्यूबर ने डाला हुआ था। सो आई एम ए सेकेंड वन हु अपलोड दिस, एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, सपोर्ट मी एंड माई चैनल for this kind of video. कहाँ जाऊँ, क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे सांप वांप दिख गया? अरे नहीं, वो पूरा तो गाइस फाइनली अभी हम थोड़े करीब 350 मीटर आ चुके आगे, और यहाँ से हमको वाटरफॉल का साउंड सुनाई दे रहा है, पानी का जो आवाज है वो यहाँ पे सुनाई दे रहा है। काफी दूर गाइस, अभी
अभी यहाँ पर रेन हुआ है कुछ दिन पहले, या मेरे ख्याल से रात में ही यहाँ पे बारिश हुई है। तो ऐसा है कि कीचड़ तो नहीं है फॉरेस्ट में, बट फुली एडवेंचरस है ट्रिप ओवरऑल। देख सकते हैं अब वाटरफॉल जो है बहुत करीब है। पानी अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो नहीं है, देख सकते हैं अगर जिस टाइम मॉनसून में अगर बारिश ज़्यादा हुई है तो यहाँ पे ज़रूर से पानी बहता होगा। देख सकते हैं ये रूट उसी की है। सो गाइस काफ़ी थका देने वाला है, ऊपर से गर्मी काफ़ी है मानसून की वजह से। देख सकते हैं थोड़ा सा दिखने लगा है अब वाटरफॉल। सो गाइस अल्टीमेटली बस थोड़ी सी ही दूरी बची हुई है। देख सकते हैं गाइस फाइनली हमारी मेहनत सफल हुई। यहाँ पे फिश है, देख सकते हैं पानी काफी साफ है गाइस। मन तो हो रहा है कि रिफ्रेश हो जाऊं, और आई विल डेफिनेटली डू। हाँ इतना सा पानी और इसके लिए इतनी मेहनत। बट यहाँ पे पत्थर देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी है चट्टाने। ये हमारा भोपा स्वामी है, भोगते रहता है बस। भोपा स्वामी आप लोग जानते ही होंगे, आश्रम वेब सीरीज इन्होंने देखा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिंग था उनका। तो मैं तो फर्स्ट टाइम में उनका फैन हो गया था। बट कोई नहीं, अभी ब्लॉग पे ध्यान देते हैं। आप लोग भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उनकी एक्टिंग आप सभी कैसे लगी। इधर हेमंत भाई है, नए बंदे हमारे साथ पहली बार ही ज्वाइन किए हैं। तो देख सकते हैं भाई का आउटफिट तो काफ़ी ज़ोरदार है एकदम, जैसे एडवेंचर में होना चाहिए। हाय बोल दो भाई व्यूअर्स को, और इसको देख लो हमारा छत्तीसगढ़िया। तो भाई लोग से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पता है बहुत दिन हो गया भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो देखते हो। मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे वो तो देख ही नहीं, लेकिन नॉन सब्सक्राइबर लोग देख के चले जा रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और हम लोग ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते ही रहेंगे, आप देखना देखते ही रहना, और लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, बाय। तो गाइस ये है सिनेमैटिक्स, यहाँ का पूरा व्यू। सो गाइस अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं वाटरफॉल के। सो देखते हैं मिशन पूरा हो पाता है या नहीं। चार बंदर तो हमारे चढ़ गए हैं, मैं एक लास्ट वाला बंदर बचा हूँ। सो गाइस देख सकते हैं टॉप मोस्ट में अभी तो नहीं पहुँचे हैं, थोड़ा सा और बाकी है। सो वहाँ भी चल के देखते हैं। देख सकते हैं कितने डेंस फॉरेस्ट है, अभी और भी ऊपर जाना है। देख सकते हैं
सो गाइस फाइनली देख सकते हैं टॉप मोस्ट में हम पहुंच चुके हैं, इससे आगे रास्ता नहीं है। और देख सकते हैं एकदम स्टेप अप, यहाँ पे वाटरफॉल है स्टेप अप सीरीज में, सीढ़ियों की तरह है बिल्कुल देखने में। और पानी भी काफ़ी साफ है, बहता हुआ पानी तो ऐसे भी साफ रहता है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ से अपर माउंटेन पे यहाँ से क्या नज़ारा है इस समय, काफ़ी मेहनत से आए गाइस यहाँ पे। प्लीज सपोर्ट करना गाइस, काफ़ी मेहनत लगी है। तो फिर ब्लॉगिंग चक्कर में निकल जाएगा।